मेरा नाम राजीव महाजन है, मेरी कंपनी का नाम श्री द्वारका दी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड है, फरीदाबाद में है। और हमारे पास 20 गाड़ियां हैं जिसमें 12 गाड़ियां अशोक लेलैंड की हैं। हम फरीदाबाद से स्क्रैप प्रोक्योर करके आसपास के एरियो में सप्लाई करते हैं, जयपुर, मुजफ्फरनगर, लुधियाना। मेरे पास अशोक लेलैंड की 12 गाड़ियां हैं जिसमें 6 गाड़ी अशोक लेलैंड ई कोमेट 12-14 हैं। जब मैंने ये अशोक लेलैंड की गाड़ी ली तो मेरे दिमाग में 2-3 चीज़ें थी कि एक तो गाड़ी में माइलेज अच्छी हो, मेंटेनेंस कम हो, ड्राइवर को कंफर्ट हो, और कभी कभार जैसे हमारा स्क्रैप का काम है तो हमारा लोड का अंदाज़ा नहीं हो पाता, तो हमारा लोड अगर ज़्यादा हो जाए तो गाड़ी कहीं रुके ना। तो मुझे 1.5 साल हो गया इन गाड़ियों को लेके चलाते हुए, मैं इन गाड़ियों से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। मेरी जो अशोक लेलैंड की 12-14 गाड़ी है ये तकरीबन 6,000 किलोमीटर चलती है, और मेरा अपने माल लेके जाती है और उधर से अपना माल लेके आती है। दूसरे ब्रांड की गाड़ी में हमें 6 की एवरेज आती है और इसमें हमें 6.5 की एवरेज आती है, जिससे कि महीने का हमें 70 लीटर तेल तकरीबन बच जाता है। और 70 लीटर का मतलब हो गया 5,000 रुपये का तेल बचता है हमारा मंथली। तो एक साल में हमने जो इसकी निष्कर्ष निकाला कि हमें 60,000 रुपया तो वैसे ही ज़्यादा बेनिफिट हो गया इस गाड़ी में। मेरे पास जो ई कोमेट 12-14 अशोक लेलैंड की गाड़ियाँ हैं ये 7.5 फुट चौड़ी हैं, और जो दूसरे ब्रांड की गाड़ियाँ मेरे पास हैं वो 7 फुट चौड़ी हैं। तो मेरा माल हल्का होता है और थोड़ा लूज होता है, जिसकी वजह से ये माल ज़्यादा लेके आ जाती है, अपनी कैपेसिटी पूरी कवर कर लेती है। ये एक मजबूत गाड़ी है, इसके कैबिन देख लो, इसकी चेसी देख लो, इसका एक्सल देख लो। तो आज तक मेरे साथ तो कोई ऐसा वाक्य हुआ नहीं कि ये गाड़ी ख़राब हुई हो, पर मैं जैसे पंजाब के रूट पे खुद भी जाता हूँ तो देखता हूँ कि अशोक लेलैंड की जो सर्विस है, सर्विस सेंटर, वो जगह जगह है। हर 50-60 किलोमीटर में मुझे इसके सर्विस सेंटर मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कभी इस रोड पे हमारा कोई ब्रेकडाउन होगा तो मुझे सर्विस बहुत जल्दी मिल जाएगी इसकी। मैं हरेंद्र कुमार त्यागी, द्वारका देश स्टील की गाड़ी अशोक लेलैंड 12-14 इकोमेट इसको चलाता हूँ। बहुत बढ़िया गाड़ी है, साइड ग्लास भी दे रखे हैं, एकदम हवा चारों तरफ से आती है, साइड देखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी देख सकते हैं। और मैं बहुत दूर तक ले गया हूँ इसको चला के, लेकिन इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना कोई थकावट महसूस होती है। केबिन भी बहुत बढ़िया है अपना, आराम करने के लिए, बैठने के लिए भी, और वैसे कोई प्रॉब्लम आती नहीं। माइलेज भी बहुत बढ़िया है इसका। अशोक लेलैंड ने जो कॉल सेंटर शुरू किया है 24 आवर का, ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जिससे कि कभी भी आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए आधी रात को आप फ़ोन करके इनकी हेल्पलाइन सर्विस की सेवा ले सकते हैं। दूसरा, इन्होंने एक वाओ के नाम से भी सर्विस शुरू करी है, जो कि हमने एक दो बार यूज़ भी किया है कि जैसे कोई गाड़ी का फ्यूज़ उड़ गया या कुछ हो गया तो हमने फ़ोन किया आधी रात को, और इनका जो वाओ वाली वर्कशॉप थी जो ट्रक में इन्होंने बनाई है, वो हमारा उसी वक्त एट द स्पॉट आके वो ठीक करके देगी गाड़ी। अशोक लेलैंड ने एक नारा दिया है, आपकी जीत हमारी जीत। मैं उस नारे से बिल्कुल सहमत हूँ। इन्होंने जो सर्विस शुरू करी है 24 आवर्स सर्विस सेंटर, वाओ सर्विस मंडी, तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं संतुष्ट हूँ, और मैं भी अपने ट्रांसपोर्टर भाई या अपने व्यापारी भाइयों को ये बोलूँगा कि ये गाड़ी लीजिए और मेरी तरह एक अशोक लेलैंड के संतुष्ट ग्राहक बनिए।